सुप्रभात बच्चों, मैं कैथोलिक मिशन हायर सेकेंडरी स्कूल झाबुआ से आज हम कक्षा 7 का संस्कृत विषय का तृतीय पाठ पढ़ेंगे। तृतीय पाठ जो कि है बलात् बुद्धिर् विशिष्यते। पाठ का नाम है बल से बुद्धि विशेष होती है। यह पाठ एक कहानी है जिसमें कि बताया गया है कि व्यक्ति का बल विशेष होता है या उसकी बुद्धि विशेष होती है। व्यक्ति बलवान दिखता है तो हम ऐसा सोचते हैं कि बलवान विशेष है, परंतु सही मौके और सही समय आने पर उसकी बुद्धि द्वारा किए गए कार्य द्वारा ही हम निश्चित करते हैं कि उसका बलवान होना विशेष होता है या उसकी बुद्धि विशेष होती है। इस कहानी में यही बताया गया है कि बलवान विशेष है या बुद्धि विशेष है। उससे पहले हम इस पाठ के कुछ शब्दार्थ दिए हुए हैं जिनको पढ़ेंगे। पहले प्रसिद्ध, प्रसन्न हो, अचिंत्य सोचा, शशक खरगोश। ये कहानी जो है एक चालाक खरगोश और एक शक्तिशाली शेर की कहानी। अध्येव आज भी, श्रुत्वा सुनकर, प्रेषयिष्यामः भेजेंगे, चिंतित्वा सोचकर, अपरः दूसरा, अधुना इस समय, सत्वरं शीघ्र, मत्वा मानकर, निपातितः गिराया गया। तो हम पहले कहानी की शुरुआत करते हैं जिसमें शिक्षक और कुछ छात्रों के बीच में वार्तालाप है। उसके बाद शिक्षक के द्वारा यह कहानी सुनाई जा रही है। शिक्षक छात्रा कह पशु सर्वश्रेष्ठ अस्ति। शिक्षक अपने छात्रों से पूछ रहे हैं कि बच्चों बताओ कि कौन सा पशु सर्वश्रेष्ठ होता है। तो यदि हम आपसे पूछते हैं कि कौन सा पशु सबसे सर्वश्रेष्ठ है, शक्तिशाली है, तो आपके मन में सबसे पहले क्या उत्तर आएगा? शेर। सबसे ज्यादा पराक्रमी, शक्तिशाली तो कौन होता है? शेर होता है। अब तो क्या उसकी शक्ति या पराक्रम से हम उसको बुद्धिमान भी साबित कर सकते हैं? नहीं, वो शक्तिशाली है। आगे है रमेश, महोदय सिंह सर्वश्रेष्ठ अस्ति। महोदय सिंह अर्थात शेर, सिंह ही सबसे सर्वश्रेष्ठ है। शिक्षक कथम, शिक्षक पूछते हैं कैसे? अखिलेश सिंह पराक्रमशील भवति। जो शेर होता है वो क्या होता है? पराक्रमशील होता है, शक्तिशाली होता है। शिक्षक शोभना, ठीक है, परंतु बलदेव को अपि सर्वश्रेष्ठः न अपितु बुद्धिः श्रेष्ठः भवति। तो इसी बात में शिक्षक क्या जवाब देते हैं कि कोई भी बल से सर्वश्रेष्ठ नहीं होता, बल्कि वह अपनी बुद्धि से ही श्रेष्ठ माना जाता है। हम उसके बल को देखकर उसे सर्वश्रेष्ठ साबित नहीं कर सकते। अगर वो बलवान है लेकिन उसमें बुद्धि बल भर की भी नहीं है, तो उसका बलवान शरीर या उसकी शक्ति किसी काम की नहीं है। हितेश किम बलापेक्षया बुद्धि महत्वपूर्णा भवति। छात्र पूछ रहे कि बल की अपेक्षा बुद्धि किस प्रकार महत्वपूर्ण होती है? शिक्षक आमः यह बुद्धिमान सह एव बलवान भवति। हाँ, जो बुद्धिमान होता है वही बलवान कहलाता है। जबकि ये नहीं कि जो बलवान है वही बुद्धिमान, नहीं, जो बुद्धिमान होता है, जो कि चाहे वो छोटा हो या कमजोर हो लेकिन वो बुद्धिमान है, तो वही क्या कहलाता है? बलवान कहलाता है। और कोई बहुत ही शक्तिशाली हो, अच्छे शक्ति वाला, पराक्रम वाला व्यक्ति है, लेकिन अगर उसमें बुद्धि नहीं है तो वह उसका बल किसी कार्य का, उसकी शक्ति किसी काम की नहीं होगी। राजेश्वर
प्रथम एवं ऐसा किसे शिक्षक श्रणो, तो शिक्षक कहते हैं ठीक है ये किस प्रकार से होता है उसी पर मैं आपको एक कहानी सुनाने जा रहा हूं जो कि आप सुनेंगे। एकस्मिन् पर्वते दुर्मुखः नाम महोजस्वी सिंह वस्ति स्म। एक पर्वत पर दुर्मुख नाम का एक शक्तिशाली शेर रहता था। एक पर्वत था जहां पर दुर्मुख नाम का एक शक्तिशाली शेर निवास करता था। सह च सदैव बहुनाम पशुनाम वधम करोति स्म, और वह हमेशा बहुत सारे पशुओं का वध करता था। एकदा सर्वे पशवः सिंहस्य समीपम् अगच्छन् अवदन् च मृगेन्द्र त्वं सदैव पशुनां वधं कथं करोषि प्रसिद्ध। वयं स्वयं तव भोजनाय प्रतिदिनं एकैकं पशुं प्रेषयिष्यामः। अब एक वो क्या है कि कई पशुओं का वध करता रहता, तो एक बार सारे जो पशु थे जंगल के या वहाँ पहाड़ पर निवास करने वाले वो सब मिल करके शेर के पास जाते हैं और शेर के पास जाकर क्या कहते हैं कि तुम हमेशा सभी पशुओं का वध क्यों करते हो। प्रसिद्ध अर्थात प्रसन्न हो जाओ, जैसे मैंने आपको बताया प्रसिद्ध अर्थात प्रसन्न हो जाओ, हम स्वयं ही तुम्हारे भोजन के लिए एक पशु भेज दिया करेंगे। सब मिलकर के सब पशु मिलकर क्या निश्चित करते हैं कि यह शेर ऐसे किसी भी पशु को खा जाता है तो हम निश्चित करते हैं कि एक एक पशु एक एक जानवर तुम्हारे लिए रोज तुम्हारे भोजन के लिए तुम्हारे सामने भेज दिया जाएगा। अब उसके बाद क्या होता है, ततः सिंह अवदत् यदि यूयम् एवं इच्छत तर्हि तथा कुर्वन्तु। तब शेर कहता है कि ठीक है यदि तुम्हारी ऐसी इच्छा है तो ऐसा ही करो। ततः प्रभृति एकः पशु प्रतिदिन क्रमेण सिंहस्य समीपं गच्छति स्म, और तब से ही एक पशु रोज क्रम से शेर के पास जाता था। फिर क्या हुआ, एकदा एकस्य शशकस्य वारः समायातः। एक बार एक शशक अर्थात खरगोश, खरगोश की बारी आई। एक बार क्या हुआ, एक खरगोश की बारी आई। सूर्योदय समये सिंहस्य समीपं गच्छन् सः अचिन्तयत्। अब सूर्योदय का समय होने आया और शेर के पास जाने का समय हुआ, तो अब वह अचिंतित सोचने लगा कौन खरगोश, मम मरणम तो निश्चितमेव कि मेरा मरना तो निश्चित ही है, अतः मंद गत्येव गच्छामि, इसलिए धीरे धीरे मंद गत्येव मतलब धीरे धीरे गति से धीमी गति से जाता हूँ, मेरा मरना तो निश्चित है, आज मुझे शेर खाएगा मैं उसका भोजन हूँ इसलिए आराम से जाता हूँ। अनंतरम स्व जीवन रक्षाय उपायम चिंतयित्वा सह सिंहस्य समीपम अगच्छत्। उसके बाद वह अपने जीवन की रक्षा का उपाय सोच करके शेर के पास जाता है, शेर के पास पहुंचता है। तत्र सिंह तु शुद्धया पीड़ितः आसीत्, और वहां शेर जो था वो भूख से पीड़ित था कि उसके भोजन के लिए अभी तक कोई भी पशु नहीं आया। अति क्रुद्धः सः शशकम् अपृच्छत्, वो बहुत ही क्रोध में आकर के खरगोश से पूछता है त्वं विलम्बेन कथम आगतवान् कि तुम इतनी देर से क्यों आए हो। शशकः सविनयम् अवदत् राजन् न मम दोषः
और खरगोश जो है बड़ी बड़ी ही विनम्रता के साथ कहता है, राजन न मम दोष, मेरा दोष नहीं है। मार्गे अपरह सिंह आसित, रास्ते में मुझे एक दूसरा शेर मिला था। क्या कहता है वो कि इसमें मेरा कोई दोष नहीं है कि मैं देरी से आया हूँ, मुझे रास्ते में एक और शेर मिला था। सह माम अपश्यत अवदच्छ, और वह मुझे देख करके बोला, अहम अस्य वनस्य राजा, अहम त्वाम भक्षिष्यामि, कि मैं इस जंगल का राजा हूँ और मैं तुम्हें आज खाऊंगा। अहम तम अवदम, और मैंने उससे कहा, अस्य वनस्य राजा तू दुर्मुख नाम सिंह अस्ति, मैंने उससे कहा कि इस जंगल का राजा तो दुर्मुख नाम का शेर है। सह अध्येव माम भक्षिष्यति, और वह आज मुझे खाने वाला है। अहम अधुना तस्य भोजनाय गच्छामि, और अभी मैं उसके भोजन के लिए ही जा रहा हूँ। अहम तु केना अपि प्रकारेण तं वञ्चयित्वा भवतः समीपः आगतः। और मैं किसी प्रकार से उससे बच करके आपके पास आया हूँ। एतत् श्रुत्वा दुर्मुखः अति क्रुद्धः अभवत्, और ये सुन करके जो दुर्मुख शेर था जिसके भोजन के लिए वो जाने वाला था, वो क्या होता है, बहुत ही क्रोधित हो जाता है। जबकि हम जानते हैं ऐसा कुछ हुआ था नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। खरगोश ने क्या किया, अपनी बुद्धि का प्रयोग किया। क्रोधोत्तर दुर्मुख अवदत, हे शठ अर्थात अरे मूर्ख, शठ अर्थात मूर्ख, क्रोध से उन्मत्त, क्रोध में भरा हुआ दुर्मुख शेर बोलता है, अरे मूर्ख पुत्र अस्ति सह अपरसी, कहाँ है वह दूसरा शेर। तम सत्वरम मा दर्शय, तुम मुझे उसे दिखाओ। शशकः सिंहस्य एकस्य गंभीरस्य गंभीरस्य कूपस्य समीपम अनियत अकथय च, स्वामी पश्यतु अस्मिन् कूपे एव सः सिंह वस्तिः वस्ति। अब वो गुस्से में आकर कहता है कि वो दूसरा शेर कहाँ है जिसने तुमसे ये सब कहा, मुझे दिखाओ। तो खरगोश जो है वो शेर को कहाँ लेकर के जाता है, एक गहरे कुएं के पास, वहां लेकर जाता है और क्या कहता है, स्वामी अपश्यत, देखिए स्वामी देखो, अस्मिन् कूपे एव सः सिंह अस्ति, इसी कुएं में वो दूसरा शेर रहता है। क्या कहता है वो शेर को, ये इसी कुएं में वो दूसरा शेर रहता है। तो क्या किसी कुएं में शेर निवास कर सकता है, नहीं, लेकिन जो शक्तिशाली शेर था उसमें बल तो था पर क्या नहीं थी, बुद्धि नहीं थी। हम आप अपनी पुस्तक में चित्र में देख सकते हैं कुएं में एक शेर को झांकते हुए, कि शेर उस शेर को मारने के बदले उस कुएं में कूद रहा है। दुर्मुखः तस्य कूपस्य जले स्वप्रतिबिंबं पश्यति, दुर्मुख उस कुएं के जल में अपने प्रतिबिंब, स्वप्रतिबिंब मतलब अपनी ही परछाई को देखता है। जब हम पानी में देखते हैं तो हमें क्या दिखाई देता है, अपनी ही परछाई दिखाई देती है। सह स्वप्रतिबिंबं एव अपरं सिंह मत्वा गर्जति, और वह अपने ही प्रतिबिंब को दूसरा शेर मान करके दहाड़ता है, गर्जति अर्थात दहाड़ता है, चिल्लाता है। तस्य गर्जनस्य प्रतिध्वनि, और उसकी जो गर्जना होती है उसकी कुएं में आवाज लगाने से क्या होती है, उसकी प्रतिध्वनि होती है, तो वापस वही ध्वनि लौट कर आती है। तो उसे क्या लगता है कि वो कुएं में रहने वाला शेर भी मुझ पर दहाड़ रहा है। अतः कूपे अपरः सिंह अस्ति इति विचित्य सह
मृदति मृत्युं च प्राप्नोति। और वह कुएं में दूसरा शेर है, यह सोचता है और यह सोचकर कुएं में कूद जाता है और मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। जबकि ऐसा नहीं था, कुएं में क्या कोई शेर निवास कर सकता है? नहीं, लेकिन उसमें क्या नहीं थी, शक्ति थी पर बुद्धि नहीं थी। अपने ही चित्र प्रतिबिंब और अपनी ही प्रतिध्वनि को सुनकर वह सोचता है कि ये कोई दूसरा शेर है और उसे मारने के लिए वह कुएं में कूद जाता है। और खरगोश क्या था, शेर के सामने एक बहुत ही छोटा प्राणी था, लेकिन फिर भी वो उसके पास क्या थी, बुद्धि थी। और बुद्धि का उपयोग करके उसने जंगल के बाकी पशुओं की और अपनी भी जान की रक्षा की। तो इससे ये सिद्ध होता है कि बल से बुद्धि विशेष होती है, जो कि हमारे पाठ का नाम है बला बुद्धि विशिष्यते, कि बल से बुद्धि विशेष होती है ना कि बल। यथोक्तम, इसीलिए कहा गया है, बुद्धिर यस्य बलम तस्य निर्बुद्धेस्तु कुतो बलम पश्य सिंहो मदोन्मतः शशकेन निपातितः। जिसमें बुद्धि होती है उसमें बल होता है, बिना बुद्धि वाले के पास बल, बिना बुद्धि वाले का बल व्यर्थ है, अर्थात बुद्धिहीन के पास बल कहाँ होता है। देखो, बल के अहंकार से युक्त शेर को खरगोश ने बुद्धि के बल से कुएं में गिराकर मार डाला। तो इस श्लोक के माध्यम से हमें यही समझाया गया है कि बुद्धि बल से विशेष होती है। जिस व्यक्ति के पास बुद्धि होती है, बलवान व्यक्ति उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। यदि आपके पास बल है तो बुद्धि भी होना आवश्यक है, मात्र बल से आप कुछ भी नहीं कर सकते। सर्वेश्वर सभी छात्र कहते हैं, अवगतम तदेव बलात् बुद्धिः विशिष्यते, कि बल से बुद्धि, हमने जाना कि बल से बुद्धि विशेष होती है। शिक्षक आम हाँ सत्य है। तो बच्चों, इसी प्रकार हमारी कहानी थी बलात् बुद्धि विशिष्यते, बल से बुद्धि विशेष होती है, पाठ खत्म होता है। इसको आप पढ़ें और इसके हिंदी अनुवाद को भी समझें।